हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत मैं अप्लाई करूँगा। आज मैं आपको सिखाता हूँ मात्र 3 स्टेप में कम्युनिकेशन को बैलेंस करना बेहद आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, मैं इसको डिवाइड करूँगा LHS में एंड RHS में डिवाइड करूँगा। देन जो हमारे एलिमेंट है उसकी वैल्यू मैं यहाँ नोट करूँगा। एल्यूमिनियम इज़ 2, सल्फर इज़ 3, देन ऑक्सीजन इज़ 4 मल्टीप्लाई 3 12, प्लस का 1 रखा 13, देन सोडियम इज 1, देन हाइड्रोजन इज 1। यही काम आपको हिसाब भी करना है। वैल्यू को दिखाते हैं आपका, एल्यूमिनियम इज 1, सल्फर 1, देन ऑक्सीजन 3 एंड 4 7, देन सोडियम इज 2, देन हाइड्रोजन इज 3। ये दे रखे दोनों साइड की वैल्यू। तो इतना काम करना पड़ता है फर्स्ट स्टेप में, बहुत ध्यान से करिएगा पहला स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में पता लगाते हैं कम्युनिकेशन हमारे बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। चलिए चेक करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है डिफरेंस, सल्फर 3 एंड 1 डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन यहाँ पर 13 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 डिफरेंस है। सोडियम 1 एंड 2 डिफरेंस है। 1 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन दे रखा है सेट डिफरेंस। तो देखा सारे नंबर क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे, मीन्स ये हुआ हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। अब आती है थर्ड स्टेप। मैं यहाँ पर एक छोटे से ट्रिक यूज़ करूँगा जिससे क्या होगा, बहुत आसान तरीके से बैलेंस हो जाएगा। यही आपको भी सीखना है। चलिए देखें आप लोग। तो आप यहाँ पर देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 क्या करेंगे, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बिल्कुल 2 हो गई। जो ये 2 है कहाँ पुट अप करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो देखिए सोडियम 2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ऑक्सीजन में होगा। तो वैल्यू क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ ऑक्सीजन में, कितनी आ गई वहाँ पर 2 हो गया। वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 14 हो गई। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, हाइड्रोजन में होगा। तो ये कितना हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर देखें जो वैल्यू है क्या सेम है, नहीं है। देखिए सल्फर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना 1, क्या किया जाए यहाँ पर 3 कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी होगी हमारी, 3 हो गई। क्लियर हो गया। अब ये 3 है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना हो गया हमारा, सल्फर 3 हो गया। अब पूरे का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई हुआ सोडियम में, कितने हो गए वैल्यू हमारी, 6 हो गए। क्लियर हो गए, देखिए 6 हो गया। अब आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन में, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 4 में, तो हो गया 12 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया हमारी, चेंज हो गए, तो कितना हो गया यहाँ पर, 15 हो गया। क्लियर हो गया। ओके, जो आप देखिए यहाँ पर अब जो सीखने का पर्पज था, यहाँ पर देखिए वैल्यू फिर से चेंज होगी, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हमें काफ़ी चेंज करनी पड़ेगी। फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 देखिए सोडियम हो गया, वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज की तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। सोडियम तो मैच हो गया, अब बट क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू भी चेंज होगी। 6 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन हुआ तो कितना हो गया हमारे, यहाँ पर 6 हो गया, तो कितना हो गया, ये 18 हो गया। क्लियर हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई क्या होगा, हमारे हाइड्रोजन भी होगा, तो वैल्यू हमारे यहाँ पर फिर से चेंज होगी, कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया। क्लियर हो गया। तो देखिए फिर से जो डिजिट चेंज होगी तो यहाँ पर वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पर सिक्स करने क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू 6 हो गया, ये 2 है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 इज वैल्यू 6 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई होगा एल्यूमिनियम में तो वैल्यू कितना हो गया हमारी, 2 हो गई। क्लियर हो गया। एंड 2 का मल्टीप्लाई होगा अब ऑक्सीजन में, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी हमारी, चेंज हो गई, तो 6 हो गया। फिर से आप ऐड करिए 6 12 18 हो गया। क्लियर हो गया। तो ये थी कमाल की रिएक्शन, थी काफ़ी सीखने की पर्पज से बेहतर थी। अब देखिए मैच करते हैं, एल्यूमिनियम 2 सेम है, सल्फर 3 ऑक्सीजन 18 और 18 ये भी हो गया, सेम हो गया। सोडियम 6 एंड हाइड्रोजन 6 एंड 6। तो ये देखिए सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मीन्स ये हुआ हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और काफ़ी ट्रिक मैंने यूज़ की और बहुत अच्छी थी रिएक्शन, सीखने के पर्पज़ से बहुत बहुत अच्छी थी। उसको आप इस रिएक्शन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी जल्दी आपको आई थी। इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।